झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक जो शब्दों की मर्यादा आप लोग लगातार गिरा रहे हैं, नहीं लगता कि विधानसभा की गरिमा जो है तार तार हो रही है? आप बोल रहे हैं कि आप दागी हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो दवा घोटाला सहित कई घोटाले का आरोप। बोल रहे हैं कि जब इस मामले में आप जेल गए थे तो आपके पिताजी को उन लोगों ने मंत्री बनाया था। पिताजी मंत्री बने थे उस दिन, इरफान अंसारी कागज लेकर के घूमते रहते थे। उस दिन इरफान अंसारी क्या थे सबको पता। खान तो बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी को नहीं रख पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं पिताजी के बारे में उनको एबीसीडी पता है क्या? उनके इतिहास को पहले समझ लें, उसके बाद इरफान अपना जुबान खोले। हमसे जितना लड़ना है लड़ लें, उनके जैसा 50 लोगों को देखने के लिए हम अकेले काफी। अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं, अभी भी हमारा सोर्स है कि मैं आपको कांके में भर्ती करा सकूं। झारखंड में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बीच ट्विटर वार चल रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ भानु प्रताप हैं। भानु जी, आपने कहा कि इरफान अंसारी ISI के एजेंट हैं, कैसे ये कहा? उन्होंने किस आधार पर देश के प्रधानमंत्री को फांसी देने के बाद कहा? उनके मुंह जब भी इरफान अंसारी का खुलता है तो उसमें से कोई अच्छी बातें नहीं निकलती। आप माननीय विधायक हैं, 5 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं और विधानसभा सदन के सदस्य हैं, आपको गरिमा के अंतर्गत कोई बात को रखना चाहिए। आप जो 125 करोड़ देशवासी का हृदय में बसा हुआ व्यक्ति है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसको आज विश्व में सबसे प्रमुख नेता, प्रबल नेता और सबसे मजबूत नेता माना जाता है, उसको फांसी देने का बात करते हैं यहाँ का विधायक होकर के यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में? तो इससे तो साबित होता है कि ये कौन कह सकता है। ये ऐसे ही लोग कह सकते हैं जो ISI का एजेंट हो या जो पाकिस्तानी हो, ऐसे ही लोग अपने प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात करेंगे। वरना किसी भी देश में अपने प्रधानमंत्री की इज्जत के लिए लोग फांसी चढ़ जाते हैं, अपने प्रधानमंत्री को फांसी नहीं चढ़ाते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप दागी हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो दवा घोटाला सहित कई घोटाले का आरोप। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि मेरे ऊपर चार्जेस हैं, न्यायालय में पेंडिंग हैं। क्या वो बताएंगे कि राहुल गांधी के ऊपर चार्जेस नहीं है? क्या वो बताएंगे कि सोनिया गांधी के ऊपर चार्जेस नहीं है? क्या वो बताएंगे कि उनके गृह मंत्री चिदंबरम के ऊपर केसेस नहीं है? क्या बताएंगे कि झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जेज नहीं है? क्या बताएंगे कि झारखंड प्रदेश के मंत्रियों के ऊपर चार्जेज नहीं है? तो क्या सबको वो फांसी देंगे? क्या वो सबको जेल में डालेंगे? तो ये बात को कहें, न्यायालय तो न्यायालय है ना, सबके लिए न्याय करेगा। केवल भानु जी को जेल में डालेंगे क्या? न्याय तो सबके लिए करेंगे ना। बोल रहे हैं कि जब इस मामले में आप जेल गए थे तो आपके पिताजी को उन लोगों ने मंत्री बनाया था, आप इन बातों का भी? जिस दिन मैं मंत्री बना था, हमारे पिताजी मंत्री बने थे, उस दिन इरफान अंसारी कागज लेकर के घूमते रहते थे। उस दिन इरफान अंसारी क्या थे सबको पता है। कहाँ घूमते थे सब लोग जानता था। सचिवालय में आकर के हमारे दरवाजे पर बैठे रहते थे, दुगो नर्स का पोस्टिंग कर दीजिए, दुगो डॉक्टर का पोस्टिंग कर दीजिए, सब लोगों ने देखा है वो दिन। तो क्या लगता है कि बीजेपी में आने के बाद आपकी जुबान ज़्यादा इसी? नहीं, देखिए, जब आप किसी के भावना को ठेस पहुँचाएंगे, किसी के नेता को अपमानजनक बात को कहेंगे, तो आप हमसे ये उम्मीद मत कीजिए कि हम इतना शांत स्वभाव के हैं कि उसको, या शंकर भगवान है कि जहर को पी जाएंगे। उतने शांत स्वभाव के हम लोग नहीं हैं। आप जैसा करिएगा वैसा हम लोगों से सुनिएगा। आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक जो शब्दों की मर्यादा आप लोग लगातार गिरा रहे हैं, नहीं लगता कि विधानसभा की गरिमा जो है तार तार हो रही है? आप बताएं हमको कि हमने कभी गिराया? हमने कभी कोई ऐसा गैरवाजिब बात किसी के बारे में? चुने हुए विधायक को ISI का एजेंट? नहीं, कभी भी। आप प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात बोलते हैं महाराज, उस पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आपको माला पहनाऊं, मैं आपको उत्कृष्ट विधायक का सम्मान के लिए हस्ताक्षर करूं? जो देश के प्रधानमंत्री को फांसी देने का बात करता हो, ऐसे लोग ISI का एजेंट नहीं तो क्या है हमको बताइए? देश के प्रधानमंत्री जो 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, जो अमेरिका में जाने पर जिसको सम्मान मिलता हो, जिसको पूरे दुनिया के किसी भी कंट्री में जाने पर सम्मान मिलता हो, उसको अपना विधायक, अपने देश का विधायक उसको फांसी चढ़ाने का बात करें, ये कहाँ तक वाजिब है? कहाँ तक हम उसको ग्रहण कर सकते हैं? कहाँ तक उस बात को अपने मन में रोक सकते हैं? उसकी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? ये मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, ये पूरे देश की प्रतिक्रिया है इरफान अंसारी के खिलाफ में जो उन्होंने कहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप ISI के एजेंट हैं। सिर्फ आप बोलकर जो है उनको मतलब बयान के उलट फिर आप बयान देकर खत्म तो हो जाएगा कि नहीं, तो ये कानूनी प्रक्रिया भी तो है? नहीं, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पे है। उनको इस तरह से बदजुबान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ, अभी भी हमारा सोर्स है कि मैं आपको कांके में भर्ती करा सकता हूँ।
किसान तो बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी को नहीं रख पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं पिताजी के बारे में, उनको एबीसीडी पता है क्या? हमारे पिताजी कितने सालों से घर छोड़े हैं उनको पता है? उनको पता है? जब नहीं पता है तो किसी के बारे में, किसी के पिता के बारे में, किसी के माँ के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपना जुबान अपने अंदर रखें तो ज़्यादा सही है। हमारे पिताजी आज 40 साल से घर छोड़े हुए हैं, उनके इतिहास को पहले समझ लें, उसके बाद इरफान अपना जुबान खोलें। हमसे जितना लड़ना है लड़ लें, उनके जैसा 50 लोगों को देखने के लिए हम अकेले काफी है। कल आप भोजपुरी में जवाब दिए, आपको पता है कि भोजपुरी भाषा को लेकर ही यहाँ विवाद हो रहा है, और भोजपुरी में देने का मतलब क्या था? मैंने अपनी भाषा को, मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और हिंदी को, जिस तरह से ये सरकार ने बाइकॉट करने का काम किया, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इन भाषाओं को बलात्कारी कहने का काम किया, इसके एवज में मैंने प्रतिक्रिया जाहिर किया कि मैं अपनी भाषा में तुमको ये बात साबित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये भी बोले कि हेमंत सोरेन से भी पुराना आपका? बिल्कुल है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री हमारा खतियान देख सकते हैं, किसी अधिकारी को भेज करके हमारा खतियान दिखा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री से पुराना खतियान हमारा नहीं होगा, हमारे पुसुत दर पुसुत का नहीं होगा, तो हम झारखंड आज रात को 12 बजे छोड़ने के लिए तैयार है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं।